क्रिसमस को लेकर जश्न का माहौल है। 25 दिसंबर को पूरे देश में क्रिसमस का पर्व मनाया जाएगा। इसे लेकर शहर भर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मसीही समुदाय के घरों और चर्च पर रंग बिरंगे झालरों से जगमग हो चुके हैं। आपको बता दें कि शनिवार की आधी रात को प्रभु यीशु का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया तथा सेंट जोसेफ चर्च सिविल लाइन में माँ मरियम का मंदिर आकर्षक रूप में सजाया गया है। जिसके संबंध में सेंट जोसेफ चर्च के फादर बेनी ने बताया कि क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है, जिसकी तैयारी ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा चर्च और उनके घर सजाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का एक गौशाला में जन्म हुआ था। इसी गौशाला का एक झांकी बनाई जाती है जहां पशुओं के साथ चरवाहे हैं। स्वर्गदूत एंजेल की तस्वीर बनाई गई है। साथ ही स्वर्गदूतों के बीच में बाल रूप प्रभु यीशु मसीह की झांकी एक टोकरी में रखी गई है। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर के पहले 24 दिसंबर की मध्यरात्रि 12 से 3 बजे के बीच हुआ था। इसलिए इस दिन रात के 12 बजते ही गिरजाघरों में प्रभु के आगमन की खुशी में विशेष प्रार्थना आयोजित की जाती है और 25 दिसंबर को क्रिसमस का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। सेंट जोसेफ चर्च में 24 दिसंबर को जागरण पूजा हुई जो करीब 2 घंटे चली और उसमें सारे चर्च के मेंबर और सारे विश्वासी आते हैं, प्रेयर करते हैं, ईसा मसीह के जन्म के अवसर पर एक दूसरे को बधाइयां देते हैं और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पर सुबह 8:30 बजे पूजा होती है और पूजा के बाद एक दूसरे को बधाइयां देकर अपने अपने घर लौट जाते हैं और पूरे दिन क्रिसमस केक एक दूसरे को देने के लिए और ग्रीटिंग एक्सचेंज करने के लिए लोग आते जाते रहते हैं। क्रिसमस प्रभु ईसा मसीह का जन्म दिवस है जो कि एक अमन शांति का त्यौहार है, एक प्रेम का त्यौहार है, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह का जन्म का लक्ष्य इस दुनिया में शांति स्थापित करना, एक दूसरे के प्रति भाईचारे के साथ रहना और उनके साथ स्नेह प्रेम का संदेश बांटना है और संदेश को अपने जीवन में उतारकर उसे दूसरों के साथ बांटते हैं। वहीं खुशी का एक दूसरे के साथ बांटकर ईसा मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सेंट जोसेफ चर्च के फादर बेनी ने कहा, प्रभु ईसा मसीह के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है और इसकी तैयारी में सारे ईसाई लोग और उनके चर्च सजाए जाते हैं और प्रभु यीशु के जन्म के उपलक्ष्य में उनकी यादगारी में जहां उनकी जन्म हुआ था एक गौशाला में, उसी गौशाला का एक झांकी बनाया जाता है और ये क्रिसमस के त्यौहार में ही मेन होता है और उसके साथ साथ 24 को रात को जागरण पूजा होती है और हमारे सेंट जोसेफ्स कैथेड्रल में ये जागरण पूजा आज रात को 9:30 बजे प्रारंभ होगी। ये करीब 2 घंटे चलेगा और इसमें सारे चर्च के मेंबर्स, सारे विश्वासीगण आते हैं, प्रेयर करते हैं, ईसा मसीह के जन्म के अवसर पर एक दूसरे को बधाइयां देते हैं और 25 तारीख क्रिसमस डे है। क्रिसमस डे पर सुबह पूजा होती है 8:30 बजे। उसमें भी जो रात को विश्वासीगण नहीं आ पाते हैं वे उपस्थित रहते हैं और पूजा के बाद एक दूसरे को बधाइयां दे करके अपने अपने घर लौट जाते हैं और पूरे दिन में वे क्रिसमस के बधाइयां एक दूसरे को देने के लिए, ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करने के लिए लोग आते जाते रहते हैं और क्रिसमस प्रभु ईसा मसीह का जन्म दिवस है
ये एक अमन शांति का त्यौहार है, ये एक प्रेम का त्यौहार है, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह का जन्म का लक्ष्य इस दुनिया में शांति स्थापित करना, एक दूसरे के प्रति भाईचारे के साथ रहना और उनके साथ स्नेह का, प्रेम का एक संदेश बांटना है। और उसी संदेश को हम लोग अपने जीवन में उतार कर उसे एक दूसरे के साथ बांटते हैं। वही खुशी हम एक दूसरे के साथ बांटकर ईसा मसीह का जन्म का त्यौहार मनाते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे सब लोगों को? मैं गोरखपुर निवासियों को क्रिसमस के पावन अवसर पर अमन शांति का, स्नेह का, भाईचारे का, इंसानियत का संदेश देना चाहता हूं। और आप सबों को, गोरखपुर के सभी लोगों को सेंट जोसेफ्स कैथेड्रल के तरफ से, सेंट जोसेफ स्कूल के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी क्रिसमस, और आगामी नए साल के भी मुबारकबाद देता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर।